हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिटनेस एंड ऑल्टरनेटिव साइंसेस। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम घर पे रहते हुए स्टीम लेकर अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज किए जाते हैं और कितनी क्वांटिटी में यूज किए जाते हैं, साथ ही इसको किस प्रकार से प्रिपेयर किया जाता है घर में आसानी से, और इस स्टीम को बनाने की और इस स्टीम को लेने की सही टेक्निक क्या है। तो यही सब चीजें हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सब घर में सेफ है और मेजर प्रिकॉशंस फॉलो कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा टाइम है अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का, जिसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे घर के किचन में ही है, जिससे आप किसी भी प्रकार के वायरस को अपने शरीर में एंटर होने से रोक सकते हैं। आप आपके लंग्स को और नॉस्ट्रल को स्टीम द्वारा वायरस से बचा सकते हैं। हर बार जब आप घर से बाहर जाते हैं, खरीदारी के लिए जाते हैं, असेंशियल चीजों के लिए जाते हैं या इमरजेंसी में जाते हैं, आप नहीं जानते कि आप किसी ऐसे पर्सन के कॉन्टेक्ट में आ गए हैं, जाने अनजाने में वो पर्सन इफेक्टेड हो सकता है किसी वायरस से। इसके लिए सबसे पहले आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, और आप जैसे ही घर में वापस आते हैं तो इस स्टीम को आप इमीडिएटली ले लीजिए, ताकि आपके चेहरे में, आपके नॉस्ट्रल में या आपके लंग्स में कहीं भी कोई भी बैक्टीरिया हो या वायरस हो तो वो तुरंत खत्म हो जाए, क्योंकि यही जगह पर बैक्टीरिया और वायरसेस सबसे ज्यादा अटैक करते हैं और बॉडी में एंटर करते हैं। अगर कोई भी बैक्टीरिया या वायरस नॉस्ट्रल के थ्रू आपके लंग्स में एंटर कर चुका है तो ये स्टीम उनको ऑन द स्पॉट खत्म कर देगी। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि पानी को गर्म करने से और उसको उबालने से बैक्टीरिया और वायरसेस इनएक्टिव हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, अगर आप किसी भी प्रकार के वायरस के या कोरोना वायरस के कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं, ऑफकोर्स जाने अनजाने में। तो आप जैसे ही घर वापिस आए और इस स्टीम को ले तो आप थोड़ा निश्चिंत हो जाए और आप इस वायरस को मार सकते हैं इससे पहले कि ये आपके लंग्स में फैल जाए, आपके लंग्स पे कब्जा कर ले, तो आप इस वायरस को इनएक्टिव कर पाएंगे। तो आप इस स्टीम को जरूर लीजिए जब भी आप बाहर जाके आते हैं। तो अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से इसको प्रिपेयर किया जाता है, इसको लिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, उसके बाद हम उसमें 2 बड़े गिलास पानी के डाल देंगे। इस स्टीम को बनाने के लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वो है अजवाइन। इस अजवाइन के इन छोटे छोटे दानों में ऐसे गुणकारी तत्व मौजूद है जिससे आप अनजान है। इनडाइजेशन होने पर अक्सर गर्म पानी के साथ अजवाइन लेने से आराम मिलता है। पेट दर्द, गैस, उल्टी, खट्टी डकार और एसिडिटी आदि होने पर इसको लेने से जल्दी आराम मिलता है, और इसके साथ साथ बदलते मौसम के कारण होने वाली सर्दी, जुखाम, खांसी वो बुखार से छुटकारा पाने की अचूक दवा है अजवाइन। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जो ना कि सिर्फ छाती में जमे कफ से छुटकारा दिलाती है बल्कि सर्दी और साइनस में भी आराम देती है। साथ ही सर्दी खांसी के कारण होने वाले सर दर्द में भी इसको लेने से आराम मिलता है। अब हम आधा चम्मच अजवाइन का इस पैन में डाल देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं लेमन की, नींबू की। नींबू हमारे शरीर को हाइड्रेट रखता है और ये बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का। एक नींबू से 31 mg विटामिन सी का मिलता है। नींबू में विटामिन सी की पर्याप्त मात्रा पाई जाने के कारण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद मिलती है। नींबू आपकी स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में भी मदद करता है। इसके साथ ही ये आपकी डाइजेशन हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। नींबू से बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम ठीक होती है और उसमें फ्रेशनेस आ जाती है। अभी हम इस नींबू के छोटे छोटे पीसेस को पैन में डाल देंगे। याद रखिए, ये एक ही नींबू है, आपको एक ही नींबू लेना है। इस प्रकार से छोटे छोटे पीसेस करके इस पैन में डालने हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अदरक की। अदरक में जिंजरोल नामक तत्व होता है जिससे मसल स्ट्रांग होते हैं। इसके अलावा अदरक दर्द निवारक, कैंसर से बचाव, हाई ब्लड प्रेशर पे कंट्रोल, डाइजेशन में हेल्पफुल, कोलेस्ट्रॉल को कम करना व सर्दी खांसी और जीभ मचलाने की समस्या का समाधान भी है। अस्थमा के मरीजों के लिए तो अदरक किसी वरदान से कम नहीं है। साथ ही अदरक डाइजेशन से रिलेटेड सभी प्रकार की प्रॉब्लम्स को दूर करके हमारे डाइजेशन और इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, क्योंकि शरीर के 80% बीमारियों की जड़ हमारा बिगड़ा हुआ डाइजेशन ही होता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी कम होती है। अभी हम अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे और उसे कद्दूकस करके इस पैन में डाल देंगे।
इसके बाद हम बात करते हैं तुलसी की। किसी भी फीवर को ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वायरल फीवर, बैक्टीरियल फीवर, सीजनल फीवर, किसी भी तरह के फीवर को ठीक करने के उपचार में ये उपयोगी होती है। तुलसी में बहुत सारी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है और तुलसी हमारे शरीर के लिए एंटीबायोटिक, एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल एजेंट का काम भी करती है। इसके साथ साथ तुलसी हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती है। अभी हम जानते हैं कि ये कौन कौन सी प्रॉब्लम्स में काम आती है। तुलसी स्किन की प्रॉब्लम्स को हील करने में मदद करती है। ये किसी भी तरह के फीवर को नेचुरली ठीक करने की बेस्ट मेडिसिन है। ये हमारे डाइजेशन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है, हमारे रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है, हमारी आई हेल्थ के लिए अच्छी है, हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करती है। इसके साथ साथ ये ब्लड प्रेशर को कम करती है और स्ट्रेस को कम करती है। ये अर्थराइटिस की प्रॉब्लम के लिए भी बहुत उपयोगी है। तुलसी विटामिन के का बहुत अच्छा सोर्स है। अभी हम इसमें 5 से 6 तुलसी के पत्ते डाल देंगे। याद रखिए, तुलसी के पत्तों को यूज करने से पहले अच्छे से धो लें। उसके बाद हम बात करते हैं पुदीने की। इसमें एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है जो इनडाइजेशन और स्टमक अपसेट को ठीक करने में भी मदद करती है। पुदीना एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज से भरा हुआ है। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं कोल्ड और कफ से या ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो रही है तो आपको पुदीना जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। पुदीना नाक की, गले की, ब्रोंकाइज की, लंग्स की, इन सब में आई किसी भी प्रकार की रुकावट को क्लीन करने के लिए जाना जाता है और ये पूरे रेस्पिरेटरी चैनल को क्लीन कर देता है, साफ कर देता है। इसके साथ ही ये हेडेक में भी बहुत अच्छा काम करता है। पुदीना ब्रेन और स्किन प्रॉब्लम्स में भी बेनिफिशियल है। पुदीना एसेंशियल पार्ट है अरोमा थेरेपी का। इसकी स्ट्रॉन्ग और रिफ्रेशिंग स्मेल स्ट्रेस और डिप्रेशन को खत्म कर देती है। अभी हम 8 से 10 पत्ते पुदीने के लेंगे। आप इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि जब भी आप पुदीने के पत्तों को यूज करेंगे, यूज करने से पहले उसको पानी से अच्छे से धो लें। अभी हम पुदीने के पत्तों को इस पैन में डाल देंगे। अब इसमें इस्तेमाल होने वाला अगला इंग्रेडिएंट है लौंग। लौंग बेशक आकार में छोटा होता है लेकिन इसके कई चमत्कारी फायदे होते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लौंग सर्दी खांसी से लेकर डायबिटीज और अस्थमा जैसी बीमारियों के इलाज में भी काम आता है। लौंग में एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी फंगल, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटीसेप्टिक आदि जैसी प्रॉपर्टीज पाई जाती है। लौंग में विटामिन के और जरूरी मिनरल जैसे जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम आदि पाए जाते हैं, जिससे इसके सेवन से यह ब्लड में शुगर के लेवल को कम कर देता है। स्टमक की प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए भी लौंग का इस्तेमाल किया जाता है। लौंग में मौजूद यूजेनिया जैसे यौगिक पेट के अल्सर को खत्म करने का भी काम करते हैं। साथ ही लौंग ब्लड प्योरिफिकेशन के रूप में काम करता है और ये ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। लौंग आपकी इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की ताकत को बढ़ाकर बाहरी इन्फेक्शन से आपकी रक्षा करता है। अब हम 5 से 6 लौंग लेंगे और उसको अच्छे से पीस लेंगे। अच्छे से पीसने के बाद अब हम इसे पैन में डाल देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं काली मिर्च के बारे में। काली मिर्च में हाईली एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये फ्री रेडिकल्स को मारती है। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स आपके ब्रेन को होते हैं। ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करके इम्प्रूव करती है। इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी कंट्रोल करती है। इसमें कैंसर फाइटिंग प्रॉपर्टीज होती है। ये न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करती है। इसके साथ साथ काली मिर्च डाइजेशन को भी इम्प्रूव करती है। अभी हम 8 से 10 पीस काली मिर्च के लेंगे और उसको अच्छे से पीस लेंगे। अच्छे से पीसने के बाद अब हम इसे पैन में डाल देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं तेज पत्ते की। तेज पत्ते में लिनालो नामक तत्व मौजूद होता है जो बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स के लेवल को कम करता है। इसके साथ ही ये आपको अंदर से शांत करता है और डिप्रेशन के सिम्टम्स को भी कम करता है। तेज पत्ता इन्फेक्शन में भी बेनिफिशियल होता है। तेज पत्ते में ऑर्गेनिक कंपाउंड कैफिक एसिड एंड रूटेन पाया जाता है जो हार्ट हेल्थ को एनहेंस करता है। ये दोनों कैपिलरी वॉल्स को स्ट्रेंथनिंग करता है, मजबूत करता है। तेज पत्ते का बहुत ही स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम पर। यह हेल्प करता है टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालने के लिए और बॉडी फंक्शंस को अच्छे से काम करने में भी हेल्प करता है। अभी हम एक बड़ा तेज पत्ता लेंगे और इसके छोटे छोटे टुकड़े करके इस पैन में डाल देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं सी सॉल्ट की। ये
इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। सी सॉल्ट के उपयोग करने से अस्थमा के इलाज में मदद मिलती है। पसीने के माध्यम से शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकल जाते हैं जो मसल क्रैम्प्स का कारण बन जाता है। सी सॉल्ट में इलेक्ट्रोलाइट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो इस समस्या को दूर करने में मदद करते हैं। सी सॉल्ट में सोडियम, क्लोराइड और पोटेशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ये सभी इलेक्ट्रोलाइट्स नर्वस सिस्टम के फंक्शंस को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। सी सॉल्ट को एक्सफोलिएंट के रूप में भी यूज किया जा सकता है। सी सॉल्ट वाले पानी के इस्तेमाल से त्वचा पे मौजूद डेड सेल्स को हटाने में मदद मिलती है। सी सॉल्ट में मैग्नीशियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है, इसलिए सी सॉल्ट का उपयोग करके पीएच लेवल को बैलेंस करने में मदद मिलती है। अभी हम एक बड़ा चम्मच सी सॉल्ट का इस पैन में डाल देंगे। अभी हम इसे चम्मच की सहायता से अच्छे से मिला लेंगे जिससे सभी के सभी इंग्रेडिएंट अच्छे से मिल जाए। इसके बाद हम इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे, इसे उबाल लेंगे और इसे तब तक गर्म करेंगे जब तक स्टीम ना आ जाए। और ये देखिए हमारी स्टीम बनना शुरू हो गई है और ये रेडी हो गई आपकी स्टीम। तो चलिए अभी हम इसे लेते हैं। स्टीम को लेने के लिए हम इस प्रकार का एक टावल लेंगे। इस टावल से अपने सर को ढक लेंगे और चेहरे को उस बर्तन के ऊपर ले जाएंगे जिसमें हमारी स्टीम है। स्टार्टिंग में 10 से 20 सेकंड तक आप स्टीम को इनहेल कीजिए और उसके बाद एक ब्रेक लीजिए और दोबारा ऐसा ही करें। धीरे धीरे आप टाइम को बढ़ाते जाइए और इसको बढ़ाकर 1 से 2 मिनट तक कर लीजिए। ऐसे आपको 10 से 15 बार करना है। जब हम इस स्टीम को इनहेल करेंगे तो इन सब इंग्रेडिएंट्स की प्रॉपर्टीज और इन सब के एसेंस को हम स्टीम द्वारा इनहेल करेंगे जिससे हमें इन सभी इंग्रेडिएंट्स की प्रॉपर्टीज के बेनिफिट्स हमें आसानी से मिल जाएंगे। यहां आपको इस बात का ध्यान रखना है कि गर्म पानी के बर्तन से आपके चेहरे की दूरी कम से कम 20 से 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आपको स्टीम लेते समय किसी भी प्रकार की असुविधा हो रही हो या आप अनकंफर्टेबल हो रहे हो या स्किन पे जलन हो रही हो तो तुरंत टॉवल को हटा देंगे। उसके बाद इसको कुछ और दूरी से लेने की कोशिश कीजिए। जब भी आप कहीं बाहर से आते हैं तो इस स्टीम को जरूर लें, नहीं तो वीक में कम से कम 2 से 3 बार जरूर लें। इस स्टीम को आप खुद भी लीजिए और अपनी फैमिली को भी दीजिए जिससे आप किसी भी प्रकार के वायरस से अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। सो आपने देखा कि किस प्रकार से कितनी आसानी से हमने स्टीम को प्रिपेयर किया और उसको सही टेक्निक से लिया। सो आप वीक में कम से कम 2 से 3 बार इस स्टीम को जरूर लें और ये स्टीम कम्प्लीटली सेफ है और इसे कोई भी ले सकता है। सो आप अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और आप सब अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कीजिए और आप इस स्टीम द्वारा किसी भी प्रकार के वायरस को अपने शरीर में एंटर होने से बचा सकते हैं। और ये आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भी सजेस्ट किया हुआ है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए और किसी भी प्रकार के वायरस से बचने के लिए। सो आपको ये जानकारी कैसे लगी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए और अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। सो इतने ही जानकारी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।